शीतकालीन सत्र के चौथे दिन काफी हंगामा देखने को मिला। प्रश्नकाल समाप्त होते ही सदन में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत पर्यटन विभाग की संपत्तियों को बेचने का मामला उठाया और सरकार पर संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने के आरोप भी लगाए। विपक्ष ने हिमाचल ऑन सेल के नारे लगाते हुए सदन की कार्रवाई से वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने बाहर पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि 200 करोड़ रुपए एडीबी से कर्ज लेकर पर्यटन की संपत्ति सरकार ने बनाई और उसके बाद अब इन संपत्तियों को सरकार कौड़ियों के दाम में निजी हाथों में बेच रहा है। मंडी में 41 करोड़ की लागत से बने कन्वेंशन सेंटर जंजैहली में कल्चर सेंटर बनाया गया था, जिसको अब सरकार बेच रही है। हिमाचल प्रदेश को बेचने का प्रकरण है, हिमाचल को बेचा जा रहा है, हिमाचल को लूटा जा रहा है और जयराम सरकार उसमें शामिल है। अभी एडीबी से लोन लेके लगभग 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां बनाई गई और ये चार प्रॉपर्टियां जो है एक मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और ये जंजाली में टूरिस्ट कल्चर सेंटर बना 27 करोड़ रुपये का, और इसके बाद मंडी में एक सेंटर बना 42 करोड़ रुपए का, एक जो है बड़ा ग्राम मनाली में सेंटर बना 47 करोड़ रुपए का, एक जो है क्यारी घाट तो आप जगह देख सकते हैं कन्वेंशन सेंटर 37 करोड़ रुपए का। ये चार प्रॉपर्टियां लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास कर्जे लिए गए, कर्जे लेके प्रॉपर्टियां खड़ी करके इसको प्राइवेट हाथों में लुटा दिया गया। आप देखें कि मंडी की प्रॉपर्टी जो है, मंडी की मंडी में धांधली देखो, मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ दो प्रॉपर्टियाँ बनी, जो इस जो जो 42 करोड़ की प्रॉपर्टी है मंडी की, उसको इन्होंने सिर्फ 25 लाख रुपए में जो है एनुअल प्राइवेट पार्टी को दे दिया और ये 10 साल के लिए। और उसके बाद जंजैली की प्रॉपर्टी 27 करोड़ रुपए की, ये 17 लाख रुपए में जो है 15 साल के लिए दे दी गई। तो आप देखें कि ये प्रॉपर्टियाँ जो है अरबों की प्रॉपर्टियाँ अपने चहेतों को औने पौने दाम पे किस ढंग से लुटाई जा रही हैं। और ये पहले भी यहाँ पे ये होटल बेच रहे थे, तब भी यहाँ विधानसभा में मसला उठा था जब ये सारे होटल बेच रहे थे और उसके बाद होटलों को बेचने का प्रकरण रुका, इन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर की, आज दिन तक उस इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आई। उसके बाद अब अंदर खाते हशश मैनर में प्रॉपर्टियाँ तैयार की, एडीबी का कर्जा खड़ा हो गया हिमाचल प्रदेश पे और इन्होंने 10 साल के लिए 15 साल के लिए, 10-15 साल के बाद तो प्रॉपर्टी ये बिकी गई, 15 साल के लिए बाहर चली गई और उसमें सरकार ने क्या कमाया? 200 करोड़ रुपए कर लगा के अगर सरकार को 50 लाख रुपया मिल रहा है एनुअली, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी चोर बजारी, कितनी लूट है, इंटरेस्ट भी पूरा नहीं होगा उससे। वहीं इस मुद्दे पर वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है तब प्रदेश की संपत्तियां किसके नाम पर बेची गई हैं, इसका जिक्र कांग्रेस क्यों नहीं करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल सत्ता दल को बदनाम करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। पठानिया ने कहा कि आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। सदन के बाहर युवा कांग्रेस की रैली चल रही थी लेकिन वहां पर लोग कम एकत्रित हुए थे, जिसको लेकर ये सब काम किया गया। पूरी बात पूछ ली, ग्लोबल टेंडर हुआ, महिंद्राज एंड महिंद्राज क्लब रिसॉर्ट्स, उसने उस प्रॉपर्टी को लिया, जंजाली वाली प्रॉपर्टी ग्लोबल टेंडर के थ्रू लिया है और अच्छा खासा पैसा हमें वो लोग वहाँ पे देने वाले। और अब अगला मैं आपके इसमें जोड़ूंगा कि जहाँ महिंद्रा रिसॉर्ट्स का है, बिकॉज इट इज़ अ चेन विच सेल्स प्रॉपर्टीज ओवर द ईयर्स, अब पूरे दुनिया का पर्यटक जो है वहाँ पे आएगा और वो ऑटोमेटिकली जो वो एरिया है इस पर्यटन के मांग चत्र पे आ जाएगी ऑन द मैप ऑफ द टूरिज्म इट विल कम। तो क्या हमने गलत कर दी? जितने की हमारी वो प्रॉपर्टी नहीं, उससे ज़्यादा पैसे हमें अगले 3 साल में उसके रिटर्न में मिलने वाले, प्लस हम टूरिज्म के मैप पे भी आने वाले, प्लस प्रॉपर्टी भी हमारी है, हम ही मालिक है, हमने बेचा नहीं। अब राइट फ्लावर हॉल का मालिक कौन है? किसको वो प्रॉपर्टी बिलोंग करती है? क्या आप कोई साल का किराया ले रहे हैं? कुछ साल की लीज मनी है? कोई रॉयल्टी है? कुछ है आपको? कुछ पल्ले पड़ रहा है आपका वहाँ? 1000 कनाल से ज़्यादा ऊपर फॉरेस्ट की जगह बीच में है, हज़ारों पेड़ देवदार के बीच में है, वो उस प्रॉपर्टी को आपने किस भाव पे बेचा? और ऐसे कई एग्जाम्पल मैं आपको कोट्स कर सकता हूँ। आज मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ कि ये इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। अभी आप बाहर हो गए हैं कि नहीं आए? यूथ कांग्रेस की रैली देखी आपने स्टेट की? क्या 1000 कार्यकर्ता है उसके अंदर? पूरे स्टेट की यूथ कांग्रेस की रैली आज हुई है बाहर, पूरे स्टेट की।
और हजार कार्यकर्ता नहीं आया, चलिए नूरपुर चलिए, मेरे को आज का दिन एक घंटे का समय दिया है, सवेरे 5000 युवा कार्यकर्ता खड़े कर दूंगा। ये पूरे स्टेट के अंदर से हजार आदमी नहीं इकट्ठा कर पा रहे, ये है इनका संगठन, ये है इनकी असलियत। ये तो गलती से भुलेखे से कहीं चार इलेक्शन का जीत गए, इनके तो दिमाग फट गई। हमने कहा आपको अपनी आप लीडरशिप को तय करें, बताएं आप किसके नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ रहे हैं, जो इनके पास कोई सवाल नहीं है। जी, युवा कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है, इस पर क्या कहेंगे? ये जो घर से लड़ने मरने के लिए आते हैं ना, वो ऐसी बातें नहीं करते। आपने और भी कई अरोक रैली यहाँ पे देखी है, आज आपने युवा कांग्रेस की भी ताकत देख ली है, पूरे प्रदेश की ताकत वहाँ पे, सारा विपक्ष अभी उनको एड्रेस करने के लिए गया था, अब क्या एड्रेस करके आया ये तो भगवान जाने, और क्या संख्या थी ये आप सब उसके गवाह हैं। जहाँ तक आज के वॉकआउट का सवाल है, मैं बड़ा इसमें क्लियर बोलना चाहूँगा, हिमाचल हैज़ नेवर बीन फॉर सेल भाजपा के माध्यम से। हमेशा जब भी हिमाचल के इंटरेस्ट बिके हैं तो कांग्रेस के माध्यम से बिके हैं। मैं आपको थोड़ी देर में ये 750 करोड़ की डिटेल जो हमने पैकेज जो एम्प्लॉयज़ को दिया है, जो कभी भी ना होने वाले काम थे वो भी हमने पिछले 2 साल में किए, उसकी सूची मैं बनवा रहा हूँ आपको, बड़ी जल्दी मैं उस सूची कल दूंगा, ताकि हम आपको ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स आपसे बात कर सकें कि सच्चाई क्या है और वो क्या है, ताकि आपके पास एक तथ्य आपके हाथ में हो कि वाकई हमारी सरकार ने क्या किया, और जो लोग आज